शेज उड़ने के पहले उन्होंने गाना बनाया पार्टी पंजाबी स्टाइल, किसी और से गवाया तो मुझे इतना मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों ना ये एक ऐसी आवाज में कोई सॉन्ग गाए जो धमाका हो जाए, तो मुझे दिलेर पाजी से बेटर किसी की आवाज नहीं लगी। तो मैंने कहा दिलेर पाजी को हम लोग गवाते हैं ये सॉन्ग पार्टी पंजाबी स्टाइल, क्योंकि It was her approach, क्योंकि दिलेर पाजी ने पिछले 2 साल से कोई सिंगल नहीं गाया था। जब राखी ने बोला कि मुझे आपके साथ गाना करना है तो वो तैयार थे और उन्होंने परफॉर्म भी किया। बिल्कुल, और मैंने उन्हें उनका जो तुनक तुनक तुम जो गाना था बहुत ही हिट था, तो उसके बाद काफी गाना का हुआ पार्ट बहुत सारे सॉन्ग थे दिलेर पाजी के, तो बट ये जो हाई स्पीच का ये सॉन्ग था तो इसीलिए हमने कहा कि दिलेर पाजी इस सॉन्ग को गाए। और जब हमने गवाने के बाद उनके वॉइस पे कोई नाचने को तैयार नहीं था। हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे, कुछ स्टार्स भी देखे, कुछ स्टार्स के पास तो डेट्स भी नहीं थी, कुछ खान्स भी देखे, कुछ खान्स की कुछ ज्यादा खान्स भरी हुई थी। फिर हमने दिलेर पाजी को बोला भैया ये आपने गाया तो अब आप खुद ही डांस कर लो इस पे। तो दिलेर जी ने इस पे कूद कूद के बहुत डांस किए हैं और मेरा वीडियो काफी टाइम के बाद एक अच्छा वीडियो मैंने जनता के सामने रखा है। आई होप कि उन्हें बहुत पसंद आएगा। और इसमें आप एक बार नहीं तीन बार शूट किया गया है, पहली बार है कोई वीडियो जिसे तीन बार शूट किया गया, एक मेरी नजर से और एक सेंसर बोर्ड की नजर से। मुझे पता नहीं था कि सेंसर बोर्ड के जल्दी आंखें खुल गई कि राखी सावंत के उनको सीन जल्दी नजर आ गए और उन्होंने कहा ओह माय गॉड राखी आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है। मैंने कहा अगर सेंसर बोर्ड को कहा अगर मैं आपको 200-400 फिल्में ऐसे दिखा देती हूँ जो स्मूचिंग कितनी की हुई आपने पास कर दिया, लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम का क्या कपड़े नहीं पहनती हूँ आपने पास कर दिया, सिर्फ मैंने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम ब्लू कलर का पहन लिया तो आपको इतनी तकलीफ हो गई। मैंने कहा मैं ओ मिर्च मेरे ही काम आ गई क्या, तो बहुत तकलीफ हुई। और फिर हमने फिर से रीशूट किया, काफी पैसे लग गए इस पे, बट फाइनली अच्छा शूट होके आ गया एंड सेंसर बोर्ड के हिसाब से थोड़े पूरे कपड़े पहनने पड़ गए। और इसे दो तीन प्रोड्यूसर हैं हमारे फेथ इंडियन कॉर्पोरेट मूवीज जो है मेन है, इन्होंने प्रोड्यूस किया है, राहुल कपूर जी ने एंड चेतना एंटरटेनमेंट ने और अंदर प्रोडक्शन सैफी फिल्म्स और हमारे भाई सोनी जो मेरे बहुत अच्छे भाई है और चरिश्मा स्पा के ब्यूटी स्पा के ओनर है, तो इन्होंने मुझे काफी हेल्प किया सेंसर बोर्ड के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, वीडियो को रिलीज करने तक के लिए बहुत हेल्प किया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का स्पेशल जो मेरा परफॉर्मेंस है वो किसी के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, सिर्फ हाई जास प्लीज कम ऑन द स्टेज, कम कम। तो ये स्पेशल परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए है, ये मेरा परफॉर्मेंस है। तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरे क्या बात करना, क्या बात। सो इजाज खान का हम वेलकम करते हैं, इज माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू। तो ये आज का मेरा परफॉर्मेंस और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वीडियो के सक्सेस के लिए है। डेढ़ दो महीने और वीडियो चैनल में चलता रहेगा, लोगों को बहुत पसंद आया है। दिलेर मेहंदी जी ने सिंग किया है, डांस किया है और मेरा वीडियो पहली बार आप सबके सामने आया है, हॉट वीडियो, एंड आई होप के जनता को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। और डेफिनेटली 31st नाइट पे काफ़ी झूम रही है, मैं तो शिकागो में धमाल मचा के आई हूँ। शिकागो में लोगों ने कहा कि पहले वहाँ पे स्नो नहीं हो रहा था, वक्त से पहले स्नो हो गया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि शिकागो को मैं जाके गर्म करने वाली थी उससे पहले ठंडा कर दिया। तो 31st का नाइट मेरा परफॉर्मेंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा। और आई एम सो सॉरी कि मैं लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर रही हूँ, हालांकि मैंने दिलेर पाजी के साथ दिल्ली में किया था परफॉर्मेंस, क्योंकि दिसंबर का महीना था एंड 31st नाइट था, दिलेर पाजी को भी जाना था अब्रॉड अपने शोज के लिए, मुझे भी जाना था, बट अभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए, आज का परफॉर्मेंस सिर्फ मीडिया के लिए है। यस,